बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सईद टॉक्स। सो आज मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में, मी 11 अल्ट्रा के बारे में, यानी कि इसे हम MI 11 अल्ट्रा भी कह सकते हैं या मी आई 11 अल्ट्रा भी कह सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों स्मार्टफोन की कन्फर्म प्राइस के बारे में, कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, और ये भी जानेंगे दोस्तों कि ये मी आई 11 अल्ट्रा जो है दोस्तों क्या ये पाकिस्तान में आ सकता है, अगर आने की चांसेस है तो कब आने वाला है, सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको बताऊंगा इसकी फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है स्मार्टफोन होगा, सब कुछ के लिहाज से आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आती है यार तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, बात करें बहुत ही मतलब कि एक पावरफुल डिस्प्ले, मतलब कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी की डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि MI 11 अल्ट्रा में दोस्तों। अब इसकी खासियत क्या है दोस्तों, डिस्प्ले की सबसे पहली जो खासियत दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी इस स्मार्टफोन में वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी दोनों के साइड, यानी कि बैक के ऊपर भी और फ्रंट के ऊपर 6.8 इंचेस की आपको फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आपको मिल जाती है। 120 हर्ट्ज तक आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, HDR 10 का सपोर्ट यहां पर आपको मिल जाता है, यानी डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का होने वाले दोस्तों, यानी कि बहुत ही पावरफुल है, मतलब कि डिस्प्ले वाइज हम इसे कह सकते हैं। अब बात आ जाती है स्मार्टफोन के चिपसेट के बारे में दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में जो चिपसेट यूज किया गया है दोस्तों वो बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला चिपसेट 5 nm के ऊपर बेस्ट है मेरे भाई, 5 nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ट है। बूम, मजे की बात यह दोस्तों कि 16 GB रैम, OMG, 512 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ यह स्मार्टफोन आने वाला है। 16 GB रैम, अभी तक तो हमने 12 GB तक सुना था दोस्तों, 16 GB रैम। शायद मेरे ख्याल से नोट्स सैमसंग गैलेक्सी नोट 21 अल्ट्रा में या S21 अल्ट्रा में शायद मेरे ख्याल से 16 GB रैम है, लेकिन शाओमी का ये जो फ्लैगशिप सीरीज है MI 11 अल्ट्रा 16 GB रैम, 512 GB की बिल्ट इन स्टोरेज। मजे की बात यह दोस्तों कि यहां पर आपको UFS 3.1 की सपोर्ट, बूम, बहुत ही आला यार। अब अगर इसकी क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, अब इसके जो बैक के ऊपर जो क्वाड कैमरा सेटअप है दोस्तों, अब यहां पर इन्होंने एक और डिस्प्ले भी बनाया दोस्तों, यानी कि अगर आप क्वाड कैमरा सेटअप से सेल्फी लेते हो ना, मतलब कि आपको मतलब सेल्फी लेने अगर आप क्वाड कैमरे से लेते हो तो वहां पर आपको मतलब कि दिखाई देगी कि आप बैक से भी सेल्फी ले सकोगे, वहां पर डिस्प्ले है जो आपको बताती है कि आप जो जैसे हम सेल्फी लेते हैं हम डिस्प्ले मतलब कि डिस्प्ले के अंदर हमें जो अपना चेहरा जो वो दिखाई देता है, तो इसी तरह MI 11 जो मी 11 अल्ट्रा दोस्तों इसके ऊपर बैक के ऊपर भी एक डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आप उससे सेल्फी जो है वो ले पाओगे। अब जो यहाँ पर जो मेन सेंसर यूज किया दोस्तों वो 48 MP, 48 MP यहाँ पर आपको टेलीफोटो कैमरा के लिए दोस्तों, और यहाँ पर 48 MP यहां पर जो दोस्तों वो है वाइड एंगल के तौर पर काम करेगी दोस्तों। भू 20 MP तक यहां पर आपको ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाएंगी पंच होल के साथ दोस्तों, यानी ये कैमरा वाइज भी अच्छा है दोस्तों, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये तबाही का स्मार्टफोन होने वाले दोस्तों। और अब अगर इसकी बात करें बैटरी की बात करें, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, 67 वाट का एक फास्ट चार्जर मिल जाते दोस्तों, 67 वाट का एक फास्ट चार्जर मिल जाता है विद टाइप सी की कनेक्टिविटी मेरे भाई। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 1,70,000 रुपए इसकी प्राइस होगी पाकिस्तानी, और लॉन्चिंग डेट की बात करें दोस्तों तो अभी ये जो है बस की रिवील हो चुकी है स्मार्टफोन की दोस्तों, यानी कि ये बहुत जल्द आने वाला है, या तो ये मार्च के महीने में आएगा तो ये अप्रैल के महीने में ये स्मार्टफोन आ सकता है। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन बहुत ही क्लियर होने वाला है यार, उम्मीद करूंगा आपकी वीडियो पसंद आएगा, पसंद है उसे लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। तब तक के लिए मैं हफीज को याद कीजिएगा, बाय बाय, लव स्टेकर पाकिस्तान, जिंदाबाद।